सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल संगीत शिक्षण हिंदी। दैट्स मी शिवम कुमार, वेलकम्स यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संगीत शिक्षण हिंदी पर। मैं शिवम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि प्रभाकर विशारद और बीए म्यूजिक क्या है, इनमें क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, कैसे करें, क्या फ़ायदे। तो आज मैं इन विषयों पर चर्चा करूँगा और आपको एक एक चीज़ के बारे में क्लियरली बताऊँगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप वीडियो पूरा देखें। दूसरी चीज़ कि मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, तो आप लोगों ने वो पूरा देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता। तो काफ़ी लोगों के सवाल थे कि ये क्या है, कैसे करें, क्या अंतर है, क्या फ़ायदे हैं। तो मैं एक एक चीज़ लेकर इस पर बताता जाऊँगा, क्या समानताएँ हैं, क्या विभिन्नता है इन सब चीज़ों में, साथ ही साथ कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं। दूसरी चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। तो कुछ बातें इधर उधर हो सकती हैं, कुछ टॉपिक मैं आगे पीछे बता सकता हूं, तो पर बताऊंगा मैं पूरा ही। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखें सबसे पहली चीज़। अब ये नहीं कि आपने आधा देखा और छोड़ दिया, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं ना मेरे बताने का ना आपके देखने का, फिर आप कहेंगे कि मैंने बताया नहीं। ठीक है, तो मैंने बताया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें सबसे पहली चीज़। सबसे पहली चीज़ तो बताऊँगा प्रभाकर विशारद और बीए म्यूज़िक क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रभाकर, बीए म्यूज़िक और विशारद तीनों ही एक समान है, इक्विवेलेंट है। अंतर जो इनमें है वो है बोर्ड का, यानी कि यूनिवर्सिटी का, कैंपस का, इसका अंतर है। ओके, सो जो प्रभाकर है वो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से होता है। ठीक है, जो एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम है यानी स्नातक डिग्री है। साथ ही साथ अब विशारद की अगर मैं बात करूँ, तो विशारद भातखंडे विश्वविद्यालय या गंधर्व महाविद्यालय से किया जाता है, वो भी बीए म्यूजिक के बराबर ही। और बीए म्यूजिक जो होता है वो म्यूजिक में ही बीए करना होता है, जो हम ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कानपुर विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, है ना, दिल्ली विश्वविद्यालय, किसी भी हम स्टेट के या राज्य के, और क्या कह लें, राजधानी के किसी भी विश्वविद्यालय से जो करते हैं ग्रेजुएशन म्यूजिक में, उसको बीए म्यूजिक बोलते हैं। अगर हम प्रयाग संगीत समिति से करेंगे तो प्रभाकर बोलेंगे, जो सिर्फ म्यूजिक में होगा। ठीक है, विशारद, विशारद जो होगा वो गंधर्व महाविद्यालय में का प्रोग्राम है, वो उस नाम से उसको बोलते हैं, और भातखंडे में भी उसी नाम से बोला जाता है, भातखंडे महाविद्यालय, संगीत महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में। तो है वो सब चीज़ें बराबर ही। अब प्रयाग संगीत समिति का 6 साल में होता है, गंधर्व महाविद्यालय का शायद 8 साल में होता है। तो इनके में संगीत प्रवेशिका, मध्यमा, पूर्ण प्रवेशिका, इस तरह से बोलते हैं, पूर्ण प्रवेशिका, संगीत प्रवेशिका, मध्यमा। ठीक है, अब हमारे यहाँ जूनियर डिप्लोमा, सीनियर डिप्लोमा, फिर प्रभाकर, यानी सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, इन तीनों को डिवाइड किया गया, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जूनियर डिप्लोमा, थर्ड फोर्थ ईयर सीनियर डिप्लोमा, फिफ्थ सिक्स्थ प्रभाकर डिग्री, जो बीए म्यूजिक के बराबर होती है। पर अंतर अब इन तीनों में क्या है, अगर आपने बीए म्यूजिक किया है तो बीए म्यूजिक आपका इंटर के बाद होगा, अगर आप इंटर म्यूजिक से हैं तो। मैं चाहे तो अगर आपको और भी कंफ्यूजन हो तो मैं इन तीनों पर अलग अलग वीडियो बना सकता हूं, पर मैं अभी ये तीनों एक साथ बता रहा हूं, अगर आपको फिर भी समझ में ना आए, पर आप वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो में समझ में आएगा। तो जो बीए म्यूजिक है, जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको इंटर के बाद, यानी आपके पास इंटर में म्यूजिक होना चाहिए, हाई स्कूल इंटर में म्यूजिक होना चाहिए, तब आप बीए म्यूजिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, पर प्रभाकर और विशारद में ऐसा नहीं होता, विशारद आप कभी भी किसी समय भी कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है वो हाई स्कूल होता है, आपको प्रभाकर करने के लिए हाई स्कूल कम से कम होना चाहिए चाहिए। साथ ही साथ अब प्रभाकर तो आपका हो जाएगा, पर आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए दोनों चीजों के लिए, प्रभाकर विशारद के लिए, दोनों ही इक्विवेलेंट है। ठीक है, और बीए म्यूजिक भी, बस नाम बदले हुए हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज बदली हुई है इसीलिए। पर प्रभाकर से अगर हम नौकरी के अप्लाई करते हैं, उसके लिए भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा, तो आपको एकेडमिक्स चाहिए होगा, मीन्स टू से दैट कि आपने हाई स्कूल इंटर, जैसे मान लीजिए साइंस से किया है, तो आपको बीएससी, बीए कुछ भी कर लें, आप बीकॉम कुछ भी कर लें, अगर आप संगीत की लाइन में जाना चाहते हैं, तो टीचिंग लाइन में, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, केवीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो पीजीटी का नहीं, पीजीटी के लिए मैं अलग से बताऊंगा। तो इस तरह से आप समझिए उस चीज़ को, इसके ये फायदे हैं। फायदे मैंने इसी बता दिया कि आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर शर्त ये है, ये मैंडेटरी है कि आप प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से किए हुए हैं, आप वैलिड रहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, पर आपके पास एकेडमिक भी होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से, जो मैंने विश्वविद्यालयों के भी नाम लिए उनमें से, या जो भी आपके स्टेट में लगता हो आसपास, जैसे ग्वालियर एमपी में जिवाजी यूनिवर्सिटी है, सागर विश्वविद्यालय है ना, इस तरह से। तो आपको इस तरह से ये चीज़ समझिए, आप
कंफ्यूज मत होइए, सिंपल चीज, सब कुछ बराबर है, सब कुछ मान्य है, बस प्राचीन कला केंद्र जो है चंडीगढ़ वाला वो मान्य नहीं है, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ का, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, ना मुझे जानकारी है, सीधी बात, लेट मी वेरी क्लियर विद यू। मैंने क्योंकि फॉर्म भरा है तो मुझे पता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं आता, प्रयाग संघ समिति आता है, गंधर्व महाविद्यालय आता है, भातखंडे आता है, ठीक है। और आप अगर बीए म्यूजिक किए हैं, अगर आप बीए म्यूजिक किए हैं तो आपको इन सब की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, क्योंकि कोर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें एकदम डिटेल वाइज नॉलेज मिलती है, क्योंकि साल दर साल चलते हैं। देखिए होता क्या है, जो जूनियर डिप्लोमा और सीनियर डिप्लोमा होता है वो हमारा हाई स्कूल इंटर होता है, एक तरह से ये समझिए आप। मैं आगे, अभी पेपर होने वाले हैं प्रयाग संघ समिति के, तो मैं आगे सिलेबस भी बताऊंगा, इसके बाद एमए से रिलेटेड भी बताऊंगा मैं कि प्रवीण और अलंकार और एमए में क्या समानता विभिन्नता है, इस तरह से जैसे अभी मैंने बताया है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, सो इस पर विचार करें और ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, पूरा वीडियो देखें आपको समझ में आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर कोई छूट गया हो, आपके कुछ सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में नीचे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, ठीक है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, लर्न प्रयास एंड बी सक्सेसफुल। थैंक यू, लव यू।